हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। आज आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, जो फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, हम पहले बताएंगे कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं। दोस्तों, इसमें 12 चैप्टर हैं और 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। पार्ट 1 है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत क्या आता है? चैप्टर 1 में प्रीपोजिशन है, चैप्टर 2 में फ्रेमिंग क्वेश्चन है, चैप्टर 3 में कंजक्शन है, चैप्टर 4 में टेंस है। दोस्तों, हम यहाँ पे कवर करेंगे चैप्टर 2 तक, और आज हम इस पे बात करेंगे प्रीपोजिशन क्या है और फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, बुक का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब दोस्तों बात करना, संप्रेषण, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन दोस्तों ये लैटिन भाषा के वर्ड से लिया गया है, जो कम्युनिकेयर शब्द से बना है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू इम्पार्ट, अर्थात टू कॉमन, या टू शेयर, मतलब आदान प्रदान करना। इसका सिंपल परिभाषा है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस आर इमोशंस बाय टू आर मोर पर्सन। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टू आर मोर पर्सन, इसमें दो या दो से अधिक लोग होने ही चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अपने विचारों को किसी न किसी को आप बताएंगे या उनके तक पहुंचाएंगे, तो इसमें टू आर मोर पर्सन होते ही हैं। कम्युनिकेशन देखिए क्या है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज। कम्युनिकेशन अदला बदली है किसका? आइडिया का, ओपिनियन, इमोशन, अपने विचारों का, इमोशंस का अदला बदली है। दोस्तों, इसको हम आइए समझते हैं कम्युनिकेशन साइकिल के आधार पर। कम्युनिकेशन साइकिल इसमें समझाया गया, कम्युनिकेशन में दोस्तों सबसे जरूरी होता है सेंडर और रिसीवर, दो लोग होते हैं। एक मैसेज भेजता है, उसे कहते हैं सेंडर। जो मैसेज को रिसीव करता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? रिसीवर। सेंडर ने मैसेज किया रिसीवर को। रिसीवर ने मैसेज प्राप्त कर फीडबैक दिया अपना, किसको? सेंडर को। दोस्तों, ये हो गया साइकिल। देखिए, दो लोग यहाँ पे जरूरी हैं, दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मैसेज किसके माध्यम से जा सकता है, मतलब चैनल क्या क्या हो सकते हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने चैनल हो सकते हैं? वर्बल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन, लेटर, मीडिया, इन सब के माध्यम से सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुँचा सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रीपोजिशन दोस्तों नाउन या किसी पर्सन के पहले लगता है, जो किसी अदर वर्ड से उसके रिलेशन के बारे में बताता है। जैसे ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन इट स्टैंड टू सम अदर वर्ड। देखिए, सम अदर वर्ड से क्या रिलेशन बनाता है नाउन और प्रोनाउन, वो आपको प्रीपोजिशन बताता है। आइए, फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। देखिए, पेन और टेबल के बीच में संबंध बताता है। पेन कहाँ है? पेन टेबल के ऊपर है। इसी तरह द पेन इज अंडर द टेबल, द पेन इज नियर द टेबल। यहाँ पे वर्ड जो है ऑन, अंडर और नियर क्या है? ये सब प्रीपोजिशन है, जो टेबल और पेन के बीच में एक रिलेशन को बताते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं परिभाषा को, ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थान की दृष्टि से कुछ संबंध बतलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं या कहे जाते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, द बॉयज आर इन द क्लास। लड़के हैं कहाँ? लड़के क्लासरूम में हैं, लड़के क्लास में, अपने कक्षा में हैं। तो यहाँ पे इन क्या है? प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? बॉयज और क्लास के बीच में। दोस्तों यहाँ पे एक रूल दिया गया है। क्या रूल है? फार, फ्रॉम, इन, ऑन, प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों के पहले नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया इनकरेक्ट, क्या है इनकरेक्ट में? माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस इन द लास्ट मंथ। मेरा भाई पिछले महीने अपने घर में गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लास्ट मंथ क्या है? टाइम है, समय है।
इसको आप, अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पे हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, माय ब्रदर वेंट टू योर हाउस लास्ट मंथ। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रीपोजिशन है जिसमें हम डिफरेंस बताते हैं कि इन और एट का प्रयोग कब करते हैं। दोस्तों इन का प्रयोग बड़े बड़े शहरों के लिए करते हैं, जहाँ स्टेट हो या कंट्री हो वहाँ के लिए करते हैं, और एट का प्रयोग छोटे शहरों, कस्बों और ग्राम के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर लिव इन अमेरिका। अमेरिका क्या है दोस्तों, अमेरिका एक कंट्री है, इसलिए यहाँ पे इन का प्रयोग है। नेक्स्ट देखिए, दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहते हैं। यहाँ पे मुंबई क्या है, एक स्टेट है, और यहाँ पे इसलिए प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया गया है, इन का। गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी पोरबंदर के गुजरात में पैदा हुए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे गुजरात जो है एक स्टेट है, इसलिए इसके पहले इनका प्रयोग हुआ है। पोरबंदर क्या है, उनका गांव है, छोटा कस्बा है, विलेज है, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इन और इनटू का प्रयोग कब करते हैं। दोस्तों इन का प्रयोग स्थिरता के लिए करते हैं, जैसे ही इज इन द हाउस, वह अपने घर में है। घर क्या है, स्थिर है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग किए हैं, इनका। इनटू का प्रयोग कब करेंगे, अब इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए करते हैं, गति के लिए करते हैं, जैसे ही जंप्ड इनटू द वेन। यहाँ पे देखिए इनटू, यहाँ पे इनका प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जंप्ड वह नदी, वह वेल में, कुआं, वह कुएं में कूदा, तो इनटू मतलब उसमें गति है, इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सी है दोस्तों आन और अपान का प्रयोग। जैसे इन और इनटू का प्रयोग है, सेम उसी तरह आन और अपान का प्रयोग है। आन का प्रयोग किसके लिए करेंगे, स्थिर वस्तु के लिए, और अपान का प्रयोग किसके लिए करेंगे, गति के लिए। जैसे द बुक आर ऑन द टेबल, तो किताबें हैं वो टेबल के ऊपर हैं, किताबें स्थिर हैं टेबल के ऊपर, इसलिए हम आन का प्रयोग करेंगे। अपान का प्रयोग क्यों करेंगे, अपान का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि गति है, जैसे द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। आइए दोस्तों आप को यहाँ पे दिखाइए, दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन आपको दिया हूँ, और ढेर सारे प्रीपोजिशन आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रीपोजिशन हैं और ये सारे यूज होते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। कॉमन एग्जांपल प्रीपोजिशन का कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया है, द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन, मतलब बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। ही इज वाज, हिज वर्क वाज बेलो एवरेज। बेलो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। स्टूडेंट आर वॉकिंग एलॉन्ग द पैथ, एलॉन्ग क्या है, प्रीपोजिशन। चौथा है फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, इनटू क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन, फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, यहाँ पे गति है इसलिए इनटू का प्रयोग है। और ढेर सारे दोस्तों हैं, 17 तक आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज है, 10 तक आप खुद फील करें और कॉपी पे नोट करें। पीटर इज प्लेइंग टेनिस संडे, यहाँ पे क्या, कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा आपको बताना है। नेक्स्ट है माय ब्रदर इज बर्थडे इज ब्लैंक है, द 5th नवंबर। थर्ड है माय ब्रदर इज मे, फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों आप देख सकते हैं सब जगह खाली है और आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे फील करना है। दोस्तों आप कॉपी और पेन से अपने खुद का नोट्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों, और इसका आंसर आप अगर फिल कर चुके हैं तो मैं आपको करेक्ट करने के लिए आपको आंसर शीट देता हूं। देखिए दोस्तों यहां पे 1 से 10 तक है और सारा प्रीपोजिशन मैंने दे दिया है। दूसरा चैप्टर दोस्तों है फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक में हम बात करेंगे। फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है, फ्रेमिंग का मतलब बनाना, फ्रेम करना, क्या बनाना है, क्वेश्चन, क्वेश्चन को बनाना ही फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, पहला है हेल्पिंग वर्ब। किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है व्हाट आर एक्जिलरी वर्ब, एक्जिलरी वर्ब क्या है ये पता होना चाहिए। तीसरा है व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्लेस क्या होना चाहिए। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मास्टर रूल दिया है दोस्तों, इसका प्रयोग करके आप कहीं पर किसी भी तरह का सेंटेंस हो उसको आप फ्रेमिंग क्वेश्चन के रूप में एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं,
हाउ टू मेक फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनाए, मास्टर रूल। आइए नियम देखते हैं हम क्या है। द बेसिक रूल ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन इज टू अल्टरनेट द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में बदल कर हम यहाँ पे फ्रेमिंग क्वेश्चन को बना सकते हैं। डोंट फॉरगेट पुट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। फ्रेमिंग क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा यही पहचान है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सी इज डूइंग हर वर्क, वह अपना कार्य कर रही है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है सी और इज क्या है हेल्पिंग वर्क। इज का सेकेंड पोजिशन है, सी का फर्स्ट पोजिशन है। अब हेल्पिंग वर्क और सब्जेक्ट के प्लेस को अदल बदल कर हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्क को आगे करेंगे, इज सी डूइंग हर वर्क, क्या वो अपना कार्य कर रही है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्क को आगे करती है और इस तरह हम यहाँ पे फ्रेमिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे है कि टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कितने तरह के इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य कितने तरह से बनते हैं। तीन तरह से बनते हैं दोस्तों। पहला क्या है, विद आउट क्वेश्चन वर्ड, बिना किसी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किए फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, बिना इसका प्रयोग किए, इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे, बिना इसके हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे, पहले में ये बताया गया। दूसरा है विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, व्हाट का प्रयोग करिए, हाउ का प्रयोग करिए, वेयर का प्रयोग करिए, और इससे भी आप बना सकते हैं। तीसरा है विद क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का प्रयोग करके। दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल दिया फ्रेमिंग क्वेश्चन का, फर्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस क्या है। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे डज, डज को हम आगे करेंगे और राम को बाद में करेंगे। डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना, बिना इसके आपका ये अधूरा रहेगा। सेकेंड है ही गोज टू टेम्पल डेली, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके बनाया गया, वेयर डज ही गो डेली। तीसरा है दीपक राइट्स ए पोयम, डज दीपक राइट ए पोयम। सब में आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों फ्रेम द क्वेश्चन एज डायरेक्ट, ये आपको एक्सरसाइज और पेपर में सेम इसी तरह आएगा, और आपको जो ब्रैकेट में लिखा है उसको पढ़कर और इसको फ्रेम बनाना है। जैसे सी शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा, विदाउट क्वेश्चन वर्ड, बिना क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किए इसको फ्रेमिंग करना है। तो फ्रेमिंग कैसे करेंगे बिना उपयोग किए क्वेश्चन वर्ड का, इसके हेल्पिंग वर्ग को आगे करेंगे। हेल्पिंग वर्ग क्या है, शुड, शुड को आप आगे करिए, शुड सी रिस्पेक्ट हर एल्डर, ऐसे आप बना सकते हैं दोस्तों। इस सारे एक्सरसाइज को आप यहाँ तक नोट करिए और खुद प्रैक्टिस करिए।